और अब बड़ी बात एक अजीबोगरीब खबर की। खबर ऐसी है कि आप भी चौंक जाएंगे। सोचिए कि अगर आपके अकाउंट में अचानक करोड़ों रुपए आ जाएं तो आप क्या करेंगे। कुछ देर के लिए तो आप सन्न रह जाएंगे, चौंक जाएंगे, खुशी से झूम उठेंगे। जी हां, ऐसा ही हुआ महाराष्ट्र के नासिक में, जहां 12 युवकों के बैंक खाते में अचानक 125 करोड़ रुपए आ गए। जब उन्हें मैसेज मिला तो वो देखकर सन्न रह गए, भागे भागे बैंक पहुंचे तो बैंक वालों ने भी साफ साफ कह दिया कि आपके खाते में किसी ने ये पैसे डाल दिए। बैंक वाले भी उनकी प्रोफाइल जानकर हैरान रह गए, क्योंकि कभी भी इनके खाते में 1 लाख रुपए से ज्यादा का ट्रांजेक्शन नहीं हुआ। करोड़ों रुपए तो बहुत दूर की बात है। सभी बेरोजगारों का खाता मालेगांव मर्चेंट बैंक में है और कभी इनमें 1000 रुपए के ज्यादा का ट्रांजेक्शन नहीं हुआ, लेकिन अचानक इतनी बड़ी रकम खाते में आ गई। ये देखकर युवक बेहद डर गए। ये रकम खाते में किसने डाली, किसके बारे में युवकों को कोई जानकारी नहीं थी। बैंक ने इस बारे में साफ कह दिया कि ना तो उनकी वजह से, ना तो सिस्टम में किसी गलती की वजह से ऐसा हुआ, पैसा इन लोगों के खाते में भेजा गया। असल में जांच में पता चला कि 15 से 20 दिनों में बैंक की इस शाखा में इन 12 खातों में 100 से 500 करोड़ रुपए का ट्रांजेक्शन हुआ। शेल कंपनियां बनाकर इन युवकों के नाम पर 10 करोड़ रुपए और 15 करोड़ रुपए की रकम जमा की गई। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। ग्राफिक के जरिए आपको बताता हूं कि आखिर 125 करोड़ रुपए इन युवकों के खाते में आए कैसे। जी हां, असल में इन युवकों के खाते में अचानक से 125 करोड़ रुपए, कितने, 125 करोड़ रुपए आ गए। नासिक में 12 बेरोजगारों के खाते में 125 करोड़ रुपए आए और कभी भी इन लोगों के खाते में 1 लाख रुपए से ज्यादा का ट्रांजेक्शन नहीं हुआ। नासिक के मालेगांव मर्चेंट बैंक की यह घटना है, जहां सभी खाते, करीब 12 खातों में 100 से 500 करोड़ रुपए का लेन देन हुआ और पिछले 15 से 20 दिनों में बैंक की शाखा में ये लेन देन किया गया। अब क्यों किया गया, फिलहाल जो जानकारी मिल पा रही है उसमें यह पता चला है कि शेल कंपनियां बनाकर कुछ लोग हैं जो 10 से 15 करोड़ रुपए इन अकाउंट में जमा किए गए। अब तमाम एजेंसियां ये पता करने की कोशिश की गई है कि आखिर कौन वो लोग हैं जो शेल कंपनियों के जरिए ये काला कारोबार कर रहे हैं।